जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अनीश, कवि, कवि, कवि तुम ठीक हो? काम्या, वो है यहाँ। है ना? हाँ। और कपूर साहब? वो सब भी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे। ये सब कैसे हो गया? तुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर अस्थाना आए थे, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं कहूंगी मैं। मुझसे कुछ नहीं कहूंगी? लेकिन मैंने क्या किया है? वो जैसे कम पढ़ी लिखी औरत को इतने साल जो झेला है, तुमने जो मेरे जैसे जिद्दी और अखाड़ आदमी के साथ निभाया, वो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस चुप हो जाओ। आपको याद है जब पहली बार मनीष ने हमें काम्या के बारे में बताया था? आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब नहीं नहीं, आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है, मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मेरी गलती। हाँ, मैं समझा रहा हूँ। काम्या है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत एजुकेटेड है। उसने उसने सिर्फ MBA नहीं किया है, उसने MBA में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है। और वो है ना, मतलब अच्छी डेजिग्नेशन पे उसको जॉब भी मिला है। अरे लेकिन हाउसवाइफ बनेगी कि नहीं? क्यों बनेगी? नहीं, क्यों नहीं बनेगी? हाउसवाइफ क्यों नहीं बनेगी? लेकिन सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनेगी। नहीं, क्या है, मुझे हाउसवाइफ मतलब क्या है, मुझे वो भिंडी की सब्जी और गोभी की सब्जी बनाने वाली हाउसवाइफ नहीं चाहिए। आप लोग नहीं, आप देखो बाबा, आप ऐसे कांड नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं, आप अच्छे है। मतलब हाउसवाइफ क्या है दादी, देखो आपने मतलब आपकी सास ने जो किया वो हाउसवाइफ थी, वो आपने किया। फिर आपने जो किया, आपसे सीख के मम्मी ने किया, हाउसवाइफ बनी। अब मम्मी जो करेगी वो उसकी बहू यानी मेरी पत्नी करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जरूरी है ये सब करना, लेकिन जरूरी है कि साथ में वो काम भी करे, पति के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े लाइफ में, ताकि हम लोग सब साथ में प्रोग्रेस हो। ये बहुत जरूरी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मेरी और काम्या की एक वेवलेंथ है, हम लोग की एक सोच है, एक नजरिया है, एक एक मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ एक है। पार्टनर है वो तेरी? पार्टनर दादी, अब आप समझी, वो मेरी पार्टनर है। पार्टनर मतलब सब कुछ एक है। हाँ। सोच एक है। यस। कपड़े तो अलग अलग पहनोगे ना दादी? मैंने सिर्फ आप पे भरोसा किया था और आप ही मेरी टांग खींच रही। नहीं, नहीं समझ रहे आप लोग, आप मेरे अंदर की फीलिंग्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ। काम्या के लिए, काम्या है ना, एक्चुअली काम्या ना, काम्या काम्या सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, वो इंटेलिजेंट ब्रेन भी है उसके पास। मतलब सिर्फ सिर्फ खूबसूरती नहीं, खूबसूरत दिमाग भी है। सिर्फ खूबसूरत दिमाग नहीं, उसके पास एक खूबसूरत दिल भी है। मतलब काम्या इज सुपर वूमन। और काम्या में है ना, काम्या में एक जोश है, फायर है। हाँ। यस। अरे लेकिन वो हाउसवाइफ है कि नहीं? हाँ। अरे मेरे दिमाग घबरा रहा है। मेरी जैसी लड़की वो मेरी जैसी क्यों नहीं रही?
चलो यहाँ से, तो डॉक्टर भी आकर चला गया। अरे सीमा, अपना कोई अंदर तकलीफ में है, बेहोश है। हाँ तो ठीक है ना, हमारे तुम्हारे यहाँ रहने से थोड़ा ना वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेट हर रिलैक्स, मुझे तो कामिया की फिक्र हो रही है। अधर में लटका दिया है कोर्ट ने, ऊपर से डाइवोर्स, ना कुछ बताया ना कुछ समझा, अजीब जजमेंट है। भाभी जी, आप लोगों के लिए चाय कॉफी कुछ लेकर आऊं? नहीं डार्लिंग, बस हमें घर जाने की परमिशन दे दो बस। भाभी जी तुरंत बन जाएगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सुकेश जी आपके लिए ब्लैक कॉफी चलेगी? नो थैंक्स, इस वक्त तो मैं सिंगल मॉल्ट लेके सो जाता हूँ। मॉम आई थिंक हमें चलना चाहिए। सॉरी ओम, आप लोग काफी लेट हो गए, कविता आप ठीक है? भगवान का शुक्र है अब वो ठीक तो है, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कह रहा है सदमा है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हाँ भाई साहब, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का शौक ठीक नहीं है उनकी सेहत के लिए। वैसे भी भाई साहब आजकल बच्चे सुनते कहाँ हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, और कब तक बच्चों की प्रॉब्लम्स को हम पेरेंट्स यूं सहते रहेंगे? ठीक है कामिया और मनीष के साथ जो हुआ, लो कर रहा हूं, दुनिया भरी पड़ी है इस तरह के इंसिडेंट से। नहीं सीमा जी, ये इंसिडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट। जिस तरह से रोड पर चलती हुई कोई लॉरी किसी को उड़ा कर चली जाती है, उसी तरह ये बच्चे फास्ट लेन में चलते चलते अपनों को कुचल कर निकल जाते। ये तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन मां बाप, मां बाप, मां बाप देखते ही रह जाते। जब जब बहार आए, जब जब बहार आए। ईश्वर पर यकीन करते हो? करता था, लेकिन देखो बेटा, ईश्वर का मतलब आशा, उम्मीद, गुंजाइश। उसकी दुनिया में निराशा नहीं है। नहीं, मैं तो नास्तिक हूं। और मैं भी। गुड फॉर यू। पापा जी, मैरिज प्यार का रिश्ता है, अब जबरदस्ती किसी से प्यार तो नहीं हो सकता ना। देखो चलते चलते राह में खो जाना अस्वाभाविक नहीं है, पर खो के मिल जाना जिंदगी का दस्तूर है। आप क्यों परेशान हो रहे राजेंद्र जी? तलाक हमने नहीं लिया, उन्होंने लिया। क्यों लिया, कैसे लिया, किसकी गलती थी, हम नहीं जानते हैं। कम से कम कामिया की गलती तो नहीं थी। हाँ मनीष की गलती हो सकती। इस वक्त डिस्कस करने का टाइम नहीं है, रास्ते तलाशने का काम जरूरी है। नीलू, कल शाम को यहीं आ जाना। आई थिंक हमें चलना चाहिए। आओ सुकेश। अच्छा राजेंद्र जी, चलता हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके मनीष, भाई तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बच्चे मां बाप से कभी जुदा नहीं होते। आओ बेटा चलें।
हद है, व्हाट अ डे। ये मनीष और कामिया, ये लोग पहले किसी को बता नहीं सकते थे। मैं उनके डिवोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मम्मी जी, और अगर उन्हें डिवोर्स करना ही था तो ये एनिवर्सरी का ढोंग करने की क्या जरूरत है। मैं भी तो वही कह रही थी, अगर वो हमें पहले बता देते तो हम लोग उनके बीच कुछ कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करते। एंड आई एम श्योर अगर कामिया ने ये डिसाइड किया है तो वो सोच समझ कर ही किया होगा। मगर ये डिसीजन गलत है मम्मा। पहले ये एनिवर्सरी की पार्टी, फिर कोर्ट, फिर जजमेंट, ऑल दैट नाटक। हाँ। आपको पता है मुझे कितना जरूरी काम था? इस पार्टी के लिए मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया, वहां क्लाइंट्स बैठे हुए थे, वहां लाखों करोड़ों की डील्स और यहाँ ये तमाशा। ये महराज भी कुछ ज्यादा ही जज्बाती है। वैसे एक बात के लिए तो मैं मनीष से सहमत हूं, कपूर एंड मेहरा फैमिली के बीच जो कुछ भी था ना वो अब नहीं रहेगा, और उसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, पर इनके डैडी श्री मेहरा अंकल, पप्पा जी और मनीष की दादी, द वे दे रिएक्टेड, ऐसा लगा कि अभी दहाड़ मार के रोने लगेंगे। एग्जैक्टली। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूं, अगर घर की नींव हिलेगी तो ऊपर की इमारतें भी हिलेंगी और गिर भी सकती हैं। ठीक है, जब तक रिश्तेदारी थी थी, अब नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके। एंड प्लीज डोंट माइंड, मेरा ना उस माहौल में दम घुटने लगा, इट वॉज लाइक जैसे कोई मर गया हो। बेटा मर ही गया। जब जब बहार आए, जब जब बहार आए। तलाक रिश्ते की मौत है, मौत बल्कि यूं कहूं कई रिश्तों की मौत है दो परिवारों के बीच में। महराज और कपूर के बीच वैसे कुछ था भी नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी जैसे होती है समध्यानों के बीच में, यू नो, हाय हेलो, दैट्स ऑल। मामा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? परसों के बने रिश्ते ऐसे रातों रात ही? ओ कम ऑन नीलू, रिश्ते ही थे ना, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, और जिनके बीच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था वो तो कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब हम सब भी अपने अपने कामों में लगे। ये सब कहना आसान है जी, प्लीज। अमेरिका में 70% मैरिज में डिवोर्स होते हैं, यूरोप में ये आम बात है, इट्स एन यूजुअल ऑप्शन। हाँ आम बात है, क्योंकि अमेरिका में परिवार परंपरा संस्कार जैसे इंस्टीट्यूशन को मानता ही नहीं है। हाई रेट ऑफ डिप्रेशन, ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज, उनका सारा समाज बिखर गया है। अमेरिकन्स अमीर हैं, प्रॉस्पेरस हैं। हाँ मुझे मालूम है, तुम लोग भारी चकाचौंध से लोगों को परखते हो। या दैट्स मी। रही बात कपूर मेहरा परिवार के रिश्ते की बात, रिश्ते किसी कॉन्ट्रैक्ट के मोहताज नहीं होते, रिश्ते दिल के मोहताज होते हैं, दिल के, और दिल लॉजिक नहीं जानता है। हाँ इमोशनल फूल्स। लीजिए भाभी दवा खा लीजिए। नहीं मैंने नहीं खानी दवाई। भाभी आप दवा नहीं खाएंगे तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी ना। तबीयत ठीक करके क्या करना, मैंने जिनके लिए जी रही थी उन्हें तो अब मेरे मरने की भी परवाह नहीं। नहीं भाभी आप जानते हैं ना सब आपसे कितना प्यार करते। बस मुझे बातों में मत उलझा, जानती हूं मैं कोई नहीं चाहता मुझे। भाभी दवा नहीं खाएंगे तो
खूब क्या जवाब देंगे? नहीं खानी मैंने तो पापा, जब जब बहार आई, जब जब बहार आई। अरे छोड़, पाँव मत दबा मेरे, पाप लगेगा मुझे। वो कैसे? अरे घर की लक्ष्मी मेरे पांव दबाएगी, मुझे तो पाप लगेगा ना। अच्छा है, आप चलिए दवा खा लीजिए। नहीं, आपका बीपी लो चल रहा है, कल से दवाई लीजिए। मुझे दवा नहीं खानी। अच्छा है ना, जल्दी ऊपर चली जाऊंगी, तुम लोगों को भी राहत मिल जाएगी। अगर आप ऐसे कहेंगी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। चलिए, जब तक मैं पैर दबा रही हूँ ना, आप चुपचाप अपनी दवा ले लीजिए। ठीक है, मैं दवाई खाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देख, आज है ना, तो अपने ऑफिस से छुट्टी ले ले, हम दोनों पिक्चर देखेंगे, फिर बाहर खाना खाएंगे। हाँ, फोन करते। मम्मी जी, मैं कैसे छुट्टी ले सकती हूँ? आज मेरा सेमिनार है और उसके बाद मेरी मीटिंग भी। नहीं, आज छुट्टी नहीं, आप चुपचाप अपनी दवा लीजिए। ठीक है, मैं भी दवाई नहीं खाऊंगी। जिद में ना आप एकदम बच्ची बन जाती हैं। वो तो मैं हूं। आप सच में दवा नहीं खाएंगी? ठीक है, मैं छुट्टी ले लेती हूँ। अब तो दवा खा लीजिए। लीजिए। पक्का लेगी ना? फोन करेगी ना? दवाई खा लीजिए प्लीज। छोड़ मेरी बहन, मैं जानती हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, पर दवाई ले लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं दवाई ले लूंगी, लेकिन तू वादा कर कि मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। ये फैसला तो हो चुका है मम्मी जी, प्लीज दवाई ले लीजिए। मुझे पूछे बिना तुमने ये फैसला ले लिया, ये भी नहीं सोचा मैं दवाई कैसे खाऊंगी। जा रही है ना तू? जा, मैं भी चली जाऊंगी हमेशा के लिए। नहीं खाऊंगी दवा, नहीं खानी मुझे दवा। Thank you.
मॉम को नींद की गोली दे दी, सो रही। देख लिया ना, पहले ना बताने का नतीजा। पहले क्या बता दो कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं, आओ पार्टी करें। पार्टी तो हो गई ना मनीष, एंड व्हाट अ पार्टी। अगर ये सब पहले बता देते तो ये सबके सामने तमाशा। तो जो आज हुआ है ना वो पहले हो जाता। जी नहीं, ये मैरिज एनिवर्सरी का ड्रामा नहीं होता, ये सबके सामने डिवोर्स का तमाशा नहीं होता। शायद शायद मम्मी जी की यूं अचानक तबीयत नहीं बिगड़ती। अरे तो मुझे क्या पता था कि एनिवर्सरी वाले दिन ही कोर्ट की डेट निकलेगी। डेट का नहीं पता था, पर हम दोनों डिवोर्स ले रहे इतना तो पता था ना। वो पापा को कहा था मैंने, ये हमारा ज्यादा मामला है। और इससे उन दोनों को तसल्ली हो गई, राइट? ब्लड प्रेशर 120/180 है। डॉक्टर ने कहा है अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। You don't have to tell me this, I know it. सब लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं अकेले जिम्मेदार हूं। मॉम भी यही सोच रही है। Anyway, I don't care. इसको जो सोचना है वो सोचे। मैं किसी की तबीयत बिगड़ती है उससे तो फर्क पड़ता है कि नहीं? ताने मर रही हूँ मुझे। And anyways, thanks but no thanks. वो मेरे मॉम डैड हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं हैंडल कर लूंगा। आई नो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बट आई स्टिल फील कि हमें उन्हें पहले बता देना चाहिए। क्या बता देना बता देना बता देना, एक ही रट लगा के रखी है। पहले बता देते तो क्या होता? पहले मॉम बीमार हो जाती, पहले मॉम अगर बेहोश हो जाती तो क्या अपना फैसला बदल देती कामया?